सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा काट मरे कब हू ना छाडे खेत। वैसे तो जी शस्त्र विद्या राजे महाराजा तो ही चलती आँडी आ, पर जी सिखा की होंद में आई आ मीरी पीरी के मालिक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कृपा की आ कि सिखा यह शस्त्र विद्या जरा गदका साड़ी होंद के उदों आया। महाराज का हुक्म है कि मेरा सिख शस्त्रधारी हो अपनी भी रक्षा करे तो गरीब की भी रक्षा करे, जरा माड़ा वो भी रक्षा करे। देखो निहंग सिंह का जीवन बहुत ही उच्चा सुचा जीवन हों, बड़ी चढ़ती कला वाला जीवन हों, 24 घंटे ही रहना वा सिर्फ बाणी दे विच बाणी दे नाल जुड़े रहना वा। अज इत्थे घर बनाया फिर 35-40 किलोमीटर जाना घर बनाना वा, घर बना के फिर लंगर की तैयारी करनी आ, किसे गरीब की जां किसे दे विच उहदे नाल धक्का हो रहा वा उहदी जाके हामी भरदे आ उहदी रक्षा करदे आ, क्योंकि कोई तां नहीं हिम्मत करदा। पता जिहड़ा निहंग सिंह शस्त्रधारी आ पता है कि 125,000 दे नाल कल्ला लड़ जांदा वा, इसलिए कलगीधर पातशाह ने गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपने सिखा नू शस्त्र पहनने की शस्त्र सीखने की आग्ञा दी है जी। इत्थे 20-25 क बच्चे पढ़ते आ, तो 20-25 बच्चे जेड़े उन्हां नूं विद्या पढ़ाई जाती आ, स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई जाती आ, उहदे नाल नाल शस्त्र विद्या सिखाई जाती आ, उहदे नाल नाल अपना जेड़ा सिंघां दी गुरबाणी और कथा कीर्तन जेड़ी साडी मुढ़ली विद्या वह भी नाल पढ़ाई जाती। मैं इत्थे जिदा 25-30 बच्चे है उन्होंने गतका सिखाउंदा वा, तो सारे बच्चे बड़े प्रेम दे नाल गतका सीखते हैं, तो मैनू आप नू भी बहुत ही वधिया फील हुंदा कि मैं जे मेरे कोले गुण हैगा तो मैं अगां वंड रहा वा, जे मैं शस्त्र विद्या सीखी आ तो मैं अगां सिखा रहा वा। गतका सीखने का तो हर किसी का मन होता है शुरू से कि इच्छा होती है कि हाँ भी मैं भी गतका सीखूं, मैं भी निहंग सिंह सजूं। हमें यहाँ पर जो होती है तलवार वो भी चलानी सिखाते हैं, एक तो कई प्रकार के शस्त्रों के नाम भी होते हैं जैसे चक्र हो गया, मरट्टी होगी। अखाड़े का तो मेन टॉपिक होता है अपनी सेफ्टी के लिए, जहाँ किसी के वार को रोकना और किसी पर वार करना, किसी को इंसाफ दिलाना। सिख धर्म विच पंजां नूं प्रधानता बख्शी गई है, ऐसे उत्तर अधिकारियों नूं गुरु ग्रंथ जां गुरु पंथ दी शरण विच तत्पर रहण वाले समूह नूं सिख कौम जां गुरु पंथ कहा जांदा है। ब्रिटिश सरकार तों भारत आजाद करवाउण लई सिख कौम अथवा गुरु खालसे ने 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆਏ, ਕਰੀਬ 2100 ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਏ कि बचपन तो ही करीब 8-9 साल की 10 साल की उम्र तो ही मैनू पिता जी ने बाणा पवा के ते ए तैयार बर तैयार करा दिता, नाल शस्त्र विद्या का जानकारी जिहड़ी सी वह भी करवा दी। बहुत सारे सिख मतलब सेवक तो बेअंती ने जिन्ह ने सीखिया दल में, जिन्ने सिंह ने सारिया ने सीखिया, नगरां दे सिंघां ने, बाहर कनेडा अमेरिका भी बड़े सिंघां ने,
मैं 6-6 महीने भी उत्थे रहा बाहर 4-4 5-5 महीने भी सभ्य सांझीवाल सदा इन कोई ना दसे बारा जियो। ये गुरु नानक देव का मिशन जड़ा है, सेवादारा का मिशन है। तो महाराज जी ने संत सिपाहियों का समूह बनाया। संत वो है जो सरबत के भले लिए सिमरन करता है, सिपाही वो है जो सच धर्म के युद्ध ड्यूटी दे रहा है।